सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा का बयान सामने आया, कहा कि मां को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। केस में दो आरोपियों में से एक की जमानत हो चुकी है, एक आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई है। इस सारे प्रकरण में शामिल लोगों के नाम शिकायत पत्र में दे रही हूं। ये पत्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं कानून मंत्री को भेजा है। सभी से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध। को मेरी राम राम। मैं यशोधरा फोगाट, श्रीमती सोनाली फोगाट की बेटी हूँ। मेरी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए और उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस केस में दो आरोपी है, जिसमें से एक सुखविंदर की जमानत हो चुकी है गोवा हाई कोर्ट से, और दूसरे आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी लगाई है और वो न्यायपालिका में गड़बड़ी करने में सफल रहा। इस सारे प्रकरण में जो भी शामिल है, मैं उनका नाम एक शिकायत पत्र में दे रही हूँ, और ये शिकायत पत्र मैंने प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और डायरेक्टर ऑफ CBI और ऑनरेबल जस्टिस ऑफ मुंबई के पास भेजा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वह जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना न्यायपालिका से मेरा और समाज का विश्वास उठ जाएगा। तो सोनाली मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दो आरोपियों में से एक की जमानत हो चुकी है और एक ने जमानत को लेकर अर्जी लगाई हुई है। अब यशोधरा ने यह भी कहा कि इस मामले में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री सबको खत भेजा गया है, जो इस मामले में मुलव्वस हैं, जो इस प्रकरण में शामिल हैं, उन सबके नाम उनके शिकायत पत्र में भी दर्ज है। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनाली की बेटी यशोधरा ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। यशोधरा ने कहा कि इस केस में दो आरोपियों में से एक की जमानत हो चुकी है और दूसरे ने जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई है। उसने कहा कि मां को इंसाफ दिलाने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं।